जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। तो झरिया की बात कर रही हूँ। झरिया में एक जुमला बड़ा फेमस है, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। इस बार विधानसभा चुनाव में झारखंड में झरिया सीट जो है हॉट सीट में तब्दील होती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार झारखंड में बाहरी और भीतरी की बयात चल रही है। हालांकि इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो हर कोई देने से बचता है, लेकिन बात है और धुआं उठ रही है तो आग तो लगी है। अमन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, कल ही ये JLKM में शामिल हुए हैं और झरिया से नाता है इनका। और एक खास बात बता देती हूँ, कांग्रेस ही रह चुके हैं, तो आज बात होगी इसी मुद्दे पर। देखिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा अमन जी, सबसे पहले बताइएगा, नवरात्र को क्यों चुना आपने JLKM में शामिल होने के लिए? मैं कामाख्या गया था। अच्छा, ठीक है। उसमें चार साथी मेरे JKLM के ही थे साथ में। अच्छा, JLKM के, ठीक है। तो जब मैं वहाँ से आया तो माइंड वहाँ पे ही माँ कामाख्या के आशीर्वाद से चेंज हुआ कि अब जो है टाइगर जयराम महतो की विचारधारा से प्रेरित तो था ही मैं, मगर अब लगा कि नहीं ज्वाइन कर लेता हूँ, तो कल मैंने उसे ज्वाइन किया। ज्वाइन कर लिया। तो इससे पहले जब आपने कांग्रेस में पार्टी में ये डिसीजन बताया कि मैं इधर जाना चाहता हूँ, या बिना डिसीजन बताए? बिना बताए ग्रुप लेफ्ट करा मैंने, ठीक है। और जो थे मेरे सीनियर उनको मैंने बोल दिया था, तो मान मनोबल नहीं हुआ? नहीं, तैयार तो नहीं हुए, मगर फिर मैंने कन्विंस करा कि नहीं मुझे जाना है, आप समझो। तो फिर तो क्या ऐसा मतलब दर्द था जिसने झकझोर दिया कि नहीं अब JLKM चलो? आपको मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि दर्द था इसके कारण JLKM में मैंने ज्वाइन करा। टाइगर जयराम महतो इतना प्रभावित कर दिया ना मुझे, ठीक है। और सिर्फ मुझे नहीं, जो मेरे साथ साथी है, जो मेरे साथ टीम मेरी है, वो जो मेरे साथ काम करते हैं, उन्होंने भी कहा यार कि आप टाइगर जयराम महतो के साथ चलते हैं, उनके कंधे से कंधे मिला के सिपाही के तौर पे काम करेंगे। और अब जयराम दादा की सरकार भी बनने जा रही है बहुत जल्द, ठीक है। एक बात बताइएगा, बाहरी भीतरी का जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, इसको तो नकार नहीं सकते हैं, सुना तो जरूर? बिल्कुल सुना है मैंने। क्या ये मतलब इससे आप क्या समझते हैं, और झरिया में बाहरी भीतरी का फैक्टर वाकई है कैसा? अगर बाहरी भीतरी का फैक्टर अगर झरिया में आता है तो उसे मैं खत्म करूंगा, क्योंकि मेरी टीम जो साथ में काम करेगी, जरूरी है सारे झारखंड के ही है, ठीक है ना। हमारी टीम लगभग 30 से 35 लोगों की है, है ना, और लोग जुड़ रहे हैं। कल के बाद जो है, आज ही सुबह सुबह मेरे पास फोन आया, जो कि वो झरिया बाजार से हैं बिल्कुल, है ना। तो वो उन्होंने फोन करा, बोल रहे थे कि अमन आपने तो ज्वाइन कर लिया जयराम दा को, तो बताते मुझे। मैंने कहा दादा अभी भी स्वागत है, एकदम आइए, आप बताइए कब प्रोग्राम किया जाए। पार्टी टूट ही रही है। हाँ बिल्कुल टूट रही है। वो लोग बता दूं मैं आपको कि वो लोग भाजपा के समर्थक है, मगर मेरे साथ एक रिश्ता मतलब है। आग जो है वो भाजपा कांग्रेस दोनों में आप लोगों ने लगा दी है? नहीं लगा क्या दिए, लगी हुई है। टाइगर जयराम महतो को जो सुन लेंगे ना, हाँ बिल्कुल आग लगी हुई थी पहले से ही, और सुलगते सुलगते अब जो है चिंगारी या मसाल बन गई। अच्छा एक बात और मुझे बताइएगा, पार्टी कमजोर तो होगी आप लोगों को छोड़ने के बाद, क्या लगता है मतलब जनता जो है वहाँ की, वो इस बार बीजेपी कांग्रेस को नकार देगी? एकदम बिल्कुल नहीं नकारेगी, नकारने की कोशिश करेंगे। अच्छा कोशिश करेंगे एकदम। अच्छा एक बात बताइएगा, आपने तो काम किया है बीजेपी और कांग्रेस के अंदर, जो काम का सिस्टम होता है और JLKM के अंदर क्या डिफरेंस महसूस होता है? अभी तो आपको मैं बता दूं, 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए, है ना। और ये जो पार्टी है ये धरातल पे बिल्कुल ग्राउंड पे है, है ना, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, और सबको ही चाहिए कि हवाबाजी वाला नेता, फेसबुक वाला नेता तो चाहिए नहीं किसी को, जिसको भी चाहिए बिल्कुल ग्राउंड पे चाहिए। कल आप मेरे घर के पास आए थे, आपने देखा कि रोड की क्या समस्या है, रोड पे पानी बह रही थी। जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम उस रोड को मरम्मत क्या करवाएंगे, बिल्कुल अच्छे से बनवाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें हुई। तो बात हुई झरिया विधानसभा पर और वहाँ के डेवलपमेंट मॉडल पर। चलिए कुछ देर बाद मैं आपसे फिर जुड़ूंगी, आप बने रहे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।